उत्तरकाशी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की स्कूटी की आग में जलने से मौत हो गई। दरअसल महिला स्कूटी चला रही थी कि तभी भवान के पास स्कूटी में आग लग गई। वह इस आग की चपेट में महिला भी आ गई और जिंदा जल गई। आपको बता दें कि बीते सोमवार को चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी निवासी 25 साल की रंजना देहरादून से अपनी स्कूटी में सवार होकर घर जा रही थी, जहां सुबह खोली भवान नगुण मोटरमार्ग पर भवान के पास उसकी स्कूटी में अचानक आग लग गई। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि स्कूटी में इतनी भयानक आग कैसे लगी और उसे बचने भर का मौका भी क्यों नहीं मिल पाया। मामले में थतियूर के थाना अध्यक्ष शांति प्रसाद चमोली ने बताया कि युवती ने स्कूटी में हल्की आग लगने पर इसे सड़क किनारे खड़ा करके देखने लगी तो अचानक टंकी फट गई और युवती बुरी तरह से झुलस गई। इस पर स्थानीय निवासियों ने 108 वाहन की मदद से बुरी तरह से जली हालत में युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवती देहरादून में फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी और सोमवार को अपने घर जा रही थी। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि हाईवे पर सीसीटीवी लगे हैं, जिसमें दिख रहा था कि युवती ने हल्की आग लगने पर स्कूटी खुद ही सड़क किनारे खड़ी की और भागने से पहले ही वो खुद भी आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह से जल गई। हादसा कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है।